आज बिजनौर के कलेक्ट्रेट में किसानों ने फिर से धरना शुरू कर दिया है। आज भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के बैनर तले किसान कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। उन्होंने सरकार से कई मांगे की हैं, आइए सुनते हैं क्या है उनकी मांगे। मैं नितिन सुरोही, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक से। अच्छा, आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपकी मांग है और कब हमारी जो मांग है, धरना प्रदर्शन जो आज हमने यहाँ किया है, ये मांग हमारी है मुख्यमंत्री से। एक ज्ञापन का भी प्रोग्राम है मुख्यमंत्री से, उसके माध्यम से जो हमने मांग रखी है। एक तो किसान ट्रैक्टर का उपयोग अपने खेती के लिए करता है, लेकिन उस पर रोक लगा दी मुख्यमंत्री ने, कुछ अर्थदंड भी उस पर घोषित करा है। भाई, किसान अपने निजी काम के लिए भी ट्रैक्टर को अपने उपयोग में लावे, किसान के पास इतना पैसा तो है नहीं वो और किसी साधन से अपने काम कर सके, अपना कहीं जा सके। भाई, लेबर को भी लाना है, सारे काम करने हैं, तो उसके लिए है एक समस्या ये है। दूसरी समस्या जो कटिल्ले तारों पर रोक लगाई है, भाई किसान अपनी फसल को बचाने के लिए जंगली जानवरों से कटिल्ले तार लगा लेता है, लेकिन भाई मुख्यमंत्री जी ने उस पर रोक तो लगा दी, लेकिन हमारी ये मांग है कि भाई आप उस पर रोक लगा रहे हो तो किसान को सब्सिडी पर आप और कुछ उपलब्ध कराओ। एक फ्रेंसिंग आती तार वाली जो करंट लगाती है, आप वो उपलब्ध करा दो, ज़्यादा सब्सिडी में करा दो, किसान कम से कम अपनी फसल तो बचा ले किसी ना किसी कारण। अब आवारा पशु इतने घूम रहे हैं, किसान की फसल नहीं बचती। तीसरा ये है कि भाई पहले तो सूखा रहा जिले में और उसकी वजह से किसान को डीजल फूक फूक कर फसल अपनी बचानी पड़ी, ऐसे में बारिश पड़ी, बरसात इतनी हुई जिससे किसान की गन्ने की फसल भी घटी है बीमारियों की वजह से, और धान की फसल में 60% से भी ज़्यादा का नुकसान। तो इन सभी समस्याओं को लेकर हम यहाँ धरनेबाज बैठे हैं। अच्छा, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करोगे आगे? भाई, एक बकाया गन्ना भुगतान भी है, प्लाई मिल का यहाँ अभी तक गन्ना नहीं हुआ, नजीबाबाद मिल का, जबकि नजीबाबाद मिल जो है कोऑपरेटिव की मिल है, और गन्ना मूल्य वृद्धि अभी तक नहीं हुआ। अगर ये हमारी डिमांडें पूरी नहीं हुई तो यहाँ धरना हम लगा के बैठे। कब तक चलेगा? बस जब तक भी हमारी मांग पूरी नहीं होती, उसका तो कोई समय है नहीं, जब भी मांग पूरी हो जाएगी धरना उठा लेंगे।